हेलो फ्रेंड, आपको यहाँ पर देखने को मिल जा रहा होगा, हम लोग पेंट ओपन किए हैं। यहाँ पर पेंट हो जा ओपन हो जा रहा है मोबाइल में। आप लोग भी अपने मोबाइल को अपना जो है कंप्यूटर बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, आज के इस सीक्रेट ट्रिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आपको मैं बता देता हूँ, सबसे पहले आपको जो है प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको कौन सा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, कैसे क्या करना है। आप लोग विंडोज 7 जैसे ऑन होता है, सेम टू सेम आप लोग भी अपने मोबाइल को ऐसे विंडोज 7 जो है यूज कर सकते हैं। जितना जो है विंडोज 7 में वर्क होता है वो सब वर्क आप कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप लोग हम लोग आ जाएंगे अपने मोबाइल का प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर आने के बाद आपको इस टाइप से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको सर्च करना है, देखिए ध्यान से, ओक्टापस। ओक्टापस जो है सर्च करने के बाद यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के लिए आप लोग नॉर्मल इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ओपन का है तो हम लोग जो इसको मिनिमाइज कर देंगे। एंड आपको फिर से जो है अगेन एक और एप्लीकेशन जो है डाउनलोड करना है, बीन 7। यहाँ पर देख लीजिए, WIN बीन 7 SIMU। आपको जो है इस नाम से एप्लीकेशन आ रहा होगा, उसको जो है हम पहले से जो है डाउनलोड कर चुके हुए, इंस्टॉल कर चुके हैं। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर आपको ओपन का नहीं आएगा, प्ले का ऑप्शन आएगा, आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको फिर से उसको मिनिमाइज कर लेना है, देख लीजिए। उसके बाद आपको जो है ओक्टापस जो है एप्लीकेशन है उसको आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ से आपको अलाउ मांगेगा, अलाउ दे देना है ओक्टापस को। यहाँ पर आपको देखने को मिल जा रहा होगा न्यू गेम, उसके जस्ट बगल में नीचे प्लस का आइकन। आपको क्या करना है, प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस टाइप से आएगा। यहाँ पर आपको देखने को मिल जा रहा होगा बीन 7, इसको ऐड कर देना है। आपको ऐड का ऑप्शन आ रहा होगा, वहाँ पर आपको क्लिक करके ऐड कर देना है। देख लीजिए यहाँ पर है बीन 7, यहाँ पर ऐड है, तो यहाँ पर हम लोग ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आपको जिस टाइप से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, आपको क्या करना है उस पर डबल टैप करना है। डबल टैप करने के बाद यहाँ से फिर से अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जा रहा होगा ओक्टापस, आपको वो उसको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर फिर से एप्लीकेशन, फिर उसको अलाउ कर देना है। डबल टैप कर कीजिएगा, फिर इस टाइप से आ जाएगा, अलाउ मांगेगा, इसको अलाउ कर देना है। एंड आपको देखने को मिल जाएगा थोड़ा देर के बाद हम लोग का फिर स्किप स्किप कर देंगे। इसके बाद देखिए बिन 7, इसके बाद आपको जो है मोबाइल जो है लैपटॉप की तरह स्टार्ट हो जाएगा, सॉरी कंप्यूटर की तरह स्टार्ट हो जाएगा विंडोज 7। यहाँ पर स्टार्टिंग विंडोज 7, जैसे विंडोज 7 आता है लैपटॉप में उस टाइप से आपको देखने को मिल जाएगा स्टार्टिंग विंडो। इसके बाद यहाँ पर आपको गेस्ट, तो गेस्ट पर क्लिक करेंगे। गेस्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस टाइप से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद आपको इस टाइप से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जैसे स्टार्ट ऑप्शन जो जो लैपटॉप में होना चाहिए, मतलब जो जो चीज़ भी कंप्यूटर में होता है वहाँ पर आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। स्टार्ट, इसके बाद आपको डेट, टाइम, नेटवर्क एंड बैटरी, एंड इसके बाद माई कंप्यूटर और रिसाइकल बिन आपको देखने को मिल जाएगा। ये इस टाइप से इंटरफेस, यहाँ पर आपको जो है डेट हो जा रहा है, डेट के जस्ट यहाँ पर जैसे लैपटॉप कंप्यूटर में जैसे डेट शो करता है, सेम जो है उस टाइप से आपके सामने डेट शो कर रहा है। एंड आपको जो है माई कंप्यूटर पर क्लिक करेंगे, तो माई कंप्यूटर पर क्लिक करने के बाद जिस टाइप से हम लोग के पास एंड्रॉयड ए, सिस्टम सी, मतलब सी ड्राइव, डी ड्राइव, ऐसे आपको शो करने लगेगा कंप्यूटर में, आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जैसे कट फुल स्क्रीन मिनिमाइज का ऑप्शन आ रहा है उस टाइप से, मतलब सब कुछ आपको विंडोज 7 वाला यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। एंड आपको यहाँ से मिनिमाइज कर लेना है। मिनिमाइज कर लेने के बाद या कट के कुछ भी आप कर लीजिए, उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा होल्ड करने F5 से जो है यहाँ पर विंडोज 7 रिप्लेस होता है। यहाँ पर आपको होल्ड करके रखना है, होल्ड करके रखिएगा। होल्ड करके रखने के बाद आपके सामने इस टाइप से रिप्लेस का ऑप्शन आएगा, आप उस टाइप से रिप्लेस कर सकते हैं अपने विंडो को, मोबाइल का विंडो को। एंड आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। एंड आपको फिर से अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई न्यू फोल्डर बनाना या न्यू मतलब फोल्डर बनाना, तो आपको फिर से यहाँ पर प्रेस करके रखना है। प्रेस करके रखने के बाद आपके सामने फिर से आएगा
न्यू फाइल का, तो यहाँ पर न्यू न्यू पर क्लिक कीजिएगा, न्यू फोल्डर क्लिक बन जाएगा आपके सामने। इस टाइप से आपको देखने को मिल जाएगा, न्यू फोल्डर इस टाइप से बना सकते हैं एंड आपको जो है सब कुछ वर्क करेगा विंडोज 7 जैसा। इसके बाद आपको यहाँ से स्टार्ट पर क्लिक कीजिएगा। स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑल प्रोग्राम पर भी क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर आपको जो जो भी मोबाइल में जो चीज़ रहेगा वो सब भी आपको शो करने लगेगा। जैसे यहाँ पर हम लोग ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे तो कॉल, डायलर पैड एंड कैमरा, मतलब आपको हर चीज़ यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगा जो आपके मोबाइल में रहता है। यहाँ पर हम लोग जो है सर्च भी कर सकते हैं, क्रोम और सब सब कुछ आपको नॉर्मल जैसे मोबाइल जैसे विंडोज 7 में। यहाँ पर आपको सब कुछ कर लिया तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जा रहा होगा कैमरा, कॉन्टेक्ट, वो सब आपको शो कर रहा है। हम लोग अगर इस पर मतलब पेंट, फ़ोन, रेडियो, मतलब आपको हर चीज़ जो प्रोवाइड। यहाँ पर आप लोग पेंट पर क्लिक करेंगे, पेंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हम लोग टेस्ट इसको जो है थोड़ा सा साइज को बढ़ाना है तो यहाँ पर क्लिक करके इसको जो है जितना खींचेंगे उतना जो है फुल साइज हो जाएगा। देखिए हम लोग इसको तो होल्ड करके मतलब इसको अपने और इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज हो जाएगा एंड आपको टेस्ट पर ऑप्शन लेंगे। टेस्ट टेस्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप अपना कुछ भी चीज़ टेस्ट कर सकते हैं, जो चीज़ आप टाइप करना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। इसका पेंट बटन भी हम ले सकते हैं, पेंट कर सकते हैं इसको, जो कलर भी चाहते हैं वो सब कलर लेकर हम लोग पेंट कर सकते हैं। आपको देखने को मिल जा रहा है वह सेम विंडोज 7 की तरह आपका जो है मोबाइल वर्क कर रहा है एंड आप लोग यहां से आप लोग देखने को मिल जाएगा हर चीज़। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग कॉल करके या कैमरा वो सब कुछ आप यहां से आप लोग ऑल प्रोग्राम पर क्लिक कीजिएगा। ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस टाइप से देखने को मिल जाएगा। इस टाइप से आप लोग क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आप लोग हर चीज़ से मोबाइल का यूज कर सकते हैं, कॉल से लेकर हर चीज़ आप लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग जो है कैमरा पर क्लिक कीजिएगा तो कैमरा ऑन हो जाएगा, मतलब जो चीज़ पर भी क्लिक कीजिएगा, कैलकुलेटर पर कैलकुलेटर, कैमरा पर क्लिक कीजिएगा तो कैमरा ऑन हो जाएगा एंड आपको यहाँ पर शट डाउन का भी ऑप्शन आ रहा होगा जैसे लैपटॉप में जैसे विंडो 7 में आता है उस टाइप से आपको देखने को मिल जा रहा होगा एंड आपको दिखाई दे रहा होगा कि हम लोग जो है इस ट्रिक को फॉलो करके आप लोग अपने मोबाइल को कंप्यूटर बना सकते हैं। वाला बटन आता है उस पर क्लिक कर दीजिएगा, आपका जो है कंप्यूटर से फिर से आपका मोबाइल जो है नॉर्मल जैसा मोबाइल था उस टाइप से मोबाइल आपका हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अगर